बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर या बार्गेनिंग पोजिशन ऑफ सप्लायर जिस तरीके से हम लोग अपने कस्टमर की बार्गेनिंग पोजिशन को एनालाइज करते हैं एज स्ट्रेटेजिक मैनेजर हम अपने सप्लायर की बार्गेनिंग पोजिशन को भी एनालाइज करेंगे नाउ द क्वेश्चन के वर्ड इज मैंड बाई बार्गेनिंग पोजिशन और पावर ऑफ सप्लायर इसका मतलब ये है कि क्या हम अपने सप्लायर के साथ बार्गेन कर सकते हैं क्या हम लोग अपने सप्लायर के साथ फेवरेबल टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं और सप्लायर को मानना पड़ेगा या नहीं अगर तो सप्लायर को मानना पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन वीक है और कंपनी की बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है लेकिन अगर सप कंपनी को सप्लायर की बात मानना पड़ती है कंपनी को सप्लायर की टर्म्स एंड कंडीशन पे सामान परचेज़ करना पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन बेहतर है और कंपनी की बारगेनिंग पोजीशन जो है वो वीक है अगर कंपनी की बारगेनिंग पोजीशन वीक है तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और अगर कंपनी की बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू इट्स सप्लायर तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा न क्वेश्चन अगेन अराइजेज कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कैसे पता लगेगा कि सप्लायर की बारगेनिंग पोजिशन बेहतर है या कंपनी की बारगेनिंग पोजिशन बेहतर है

एक सप्लायर जो है वो कंपनी की बात नहीं मानता तो कंपनी कहती जनाब मैं दूसरे सप्लायर से परचेज कर लूँ दूसरा नहीं मानता तो तीसरे के पास चले जाएंगे तीसरा नहीं मानता तो चौथे के पास चले जाएंगे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं ऐसी केस में ऐसे केस में फिर सप्लायर जो है उसकी ये कोशिश होगी कि कंपनी मुझे छोड़ करके ना जाए कंपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर कर रही है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं ताकि मेरा कस्टमर मुझे छोड़ करके ना जाए So, बात समझ में क्या आती है कि अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा है कंपनी के पास कंपनी के पास अगर ऑप्शन ज्यादा हैं, तो कंपनी की बार्गेनिंग पोजिशन बेहतर है वाइस वर्षा हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक ही सप्लायर है देन द सप्लायर विल बी इन ब्लैक मेलिंग पोजिशन सप्लायर कहता है कि जनाब आपको एक्स रेट पे सामान मिलेगा अगर खरीदना है तो मोस्ट वेलकम नहीं खरीदना तो तुम्हारी मर्जी देखो मार्केट में कहाँ से मिलता है जब हम लोग मार्केट में इधर उधर देखते हैं तो हमें कोई भी नजर नहीं आता जिसे हम लोग सामान परचेज कर सकते हैं तो अगर नंबर ऑफ मजबूरन हमें फिर कंपनी से सामान परचेज करना पड़ेगा यानी अपने सप्लायर से सामान परचेज करना पड़ेगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे तो ऐसी सूरत हाल में कंपनी की बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो वीक होगी तो एक बात तो समझ में आ गई हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या होगी दूसरे है स्विचिंग कॉस्ट ऑफ फॉर्म टू चेंज इट सप्लायर क्या कंपनी अपना सप्लायर चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती जवाब आता है जनाब कर सकती है अगला सवाल है कि क्या कंपनी अगर अपना सप्लायर स्विच करती है चेंज करती है तो किसी तरह की कॉस्ट बियर करना पड़ती है या नहीं करना पड़ती अगर तो नहीं करना पड़ती फिर मोजे मोजे कंपनी किसी भी टाइम अपना सप्लायर जो है वो चेंज कर सकती है और जहां से फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे सामान मिलता है कंपनी वो सामान परचेज करेगी और एंजॉय करेगी प्रॉफिट्स लेकिन अगर कंपनी को कॉस्ट बियर करना पड़ती है तो फिर उस केस में हमें सप्लायर की बात मानना पड़ेगी और डेफिनेट बात है सप्लायर की बात मानने का मतलब यह है कि हमें अपने प्रॉफिट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अब स्विचिंग कॉस्ट में बार्गेनिंग पोजीशन ऑफ कस्टमर वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहां पे हम लोग उसी एग्जाम्पल को कंसिडर uh, कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सप्लायर है और ये कंपनी एक्स हमारी कंपनी है हमने अपने सप्लायर के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर रखा है कि अगले पांच सालों तक हम आपसे सौ uh, रुपए फी यूनिट के हिसाब से प्लस एक्स परसेंटेज पर एन उसमें इजाफा होता रहेगा आ, ये सामान परचेज करेंगे कब तक अगले पांच सालों तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो मेचोरिटी पीरियड है वो पांच साल तक है इसमें एक क्लॉज ये भी थे कि अगर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करोगे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को दरमियान में छोड़ करके जाओगे तो कंपनी को वन मिलियन रुपीज करना पड़ेगा एज पेनल्टी लाइक वाइज अगर सप्लायर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है तो उसे भी ये वन मिलियन जो है वो पे करना पड़ेगा मीन क्या होता है कि सेकेंड ईयर में कोई सप्लायर नंबर टू मार्केट में एंटर होता है और वो नब्बे रुपए का सेम प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करता है अब एज एन एंटरप्रिन्यूर हम लोग ये सोचेंगे कि काश हमने यह कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो हम लोग सप्लायर टू से सामान परचेज कर लेते इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब हम लोग बंद गए अब अगर हम लोग अपना सप्लायर स्विच करते हैं तो हमें दस लाख रुपया जो है वो पे करना पड़ता है इस केस में अब कंपनी को यानी हमारी कंपनी को मजबूरन सप्लायर वन से सामान जो है वो परचेज करना पड़ेगा सौ रुपए प्लस एक्स परसेंटेज पर एनएम के हिसाब से अब वो सालाना कीमत बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है मतलब क्या है कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो श्रिंक होते चले जाएंगे अगर तो ऐसी सिचुएशन है यानी कंपनी को स्विचिंग कॉस्ट बियर करना पड़ेगी तो ऐसे केस में कंपनी की बार्गेनिंग पोजीशन वीक होगी और सप्लायर की बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो बेहतर होगी वाइस वर्षा अगर ऐसा कोई चेकर नहीं है तो फिर कंपनी की बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर होगी और सप्लायर की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो वीक होगी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट अगर तो सप्लायर के सामान का सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो फिर हमारी यानी कंपनी की बार्गेनिंग पोजिशन बेहतर होगी और सप्लायर की बार्गेनिंग पोजिशन वीक होगी क्योंकि सप्लायर को पता होगा कि अगर मैंने अपने कस्टमर की यानी हम हमारी कंपनी की बात ना मानी तो कंपनी किसी भी वक्त सब्सिट्यूट पे शिफ्ट कर सकती है ऐसे केस में सप्लायर को हमारी बात मानना पड़ेगी लेकिन इसके बरक्स अगर सप्लायर की प्रोडक्ट का कोई भी सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है देन द सप्लायर विल बी इन ब्लैक मेलिंग पोजिशन वो किसी भी वक्त कोई भी आ, किसी भी वक्त जो है वो प्राइस को इनक्रीज कर देता है मजबूरन हमें जो है वो मानना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है और फॉर एग्जांपल सोने पे सुहागा मार्केट में हमारे पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद नहीं है तो फिर सप्लायर जो है उसकी ब्लैक मेलिंग पोजिशन ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो हम कहेंगे कि सप्लायर की बारगेनिंग पोजिशन वुड बी मच बेटर कंपनी है और अगर इसके बरक्स है तो ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ वॉल्यूम ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लायर है मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए कि ये एक सप्लायर है कस्टमर वन उसका कस्टमर है कस्टमर टू इसका कस्टमर है ये तीसरा उसका कस्टमर है चौथा उसका कस्टमर है एंड सो ऑन द लिस्ट गोज ऑन सप्लायर की जो टोटल सेल है सालाना फॉर एग्जाम्पल 1.5 मिलियन है अब इस 1.5 मिलियन का 65 जो है वो सी की तरफ से यानी कस्टमर वन की तरफ से आता है बाकी थर्टी फाइव परसेंट जो है वो अदर कस्टमर्स की तरफ से आते हैं कलेक्टिवली उनकी जो कलेक्टिवलीचेजल थर्टी फाइव परसेंट बनती है ऑफ़ टोटल रेवेन्यू बनती अब ये सी वन जो है वो सप्लायर का लाडला कस्टमर होगा ये सप्लायर जो है वो कभी भी सी वन को नाराज नहीं करना चाहेगा सी वन जो भी बात कहेगा वो एस यानी सप्लायर जो है वो मानेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि सी वन जो है उसको छोड़ करके जाए अगर सी वन छोड़ करके जाता है तो सप्लायर के टोटल रेवेन्यू पे अच्छा खासा डेंट जो है वो पड़ेगा तो वो कभी भी उसको नहीं छोड़ना चाहेगा अगर तो सूरत हाल ये है तो फिर इस इस सूरत हाल में सी वन की बारगेनिंग पोजिशन वुड बी मच बेटर देन इट्स सप्लायर है लेकिन इसको देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये टोटल रेवेन्यू का फाइव परसेंट बनता है यानी इस थी थ्री की जो परचेज है वो टोटल सेल ऑफ सप्लायर का फाइव परसेंट है तो अगर सी थ्री कोई निगोशिएट करना चाहता है तो सप्लायर ना भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता So, अगर C3 जो है वो सप्लायर को छोड़ जाता है अपने सप्लायर को छोड़ देता है तो भी सप्लायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा जो डेंट बढ़ेगा वो फाइव परसेंट पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा जो है वो पांच रुपए का नुकसान होगा अगर सप्लायर की टोटल सेल जो है वो सौ रुपया है तो इस सूरत हाल में अगर C3 को देखा जाए तो C3 की बारगेनिंग पोजीशन जो है वो वीक है और C3 के केस में उसके सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। अगर C1 को रखा जाए तो C1 C1 की बारगेनिंग पोजीशन है और C1 के केस में उसके सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन जो है वो वीक है इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस है इसका मतलब क्या है कि ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन एज कंपेयर टू अदर कंपनी किस तरह की है अगर तो सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन बेहतर है तो इसका मतलब है कि हमें अपने प्रॉफिट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लेकिन अगर सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन वीक है तो इसका मतलब यह है कि हम एज कंपनी एंजॉय करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को यहां पर एक और बात भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि ये पोजिशन सिर्फ हम लोग आज की तारीख में इवेल्युएट नहीं करेंगे हम आज बैठ करके कल को भी एनालाइज करेंगे कि कल बार्गेनिंग पोजिशन ऑफ सप्लायर किस तरह हो With to our customer, uh, की होगी विद रिस्पेक्ट टू आर कंपनी पॉसिबिलिटी है कि आज कस्टमर सप्लायर की बार्गेनिंग पोजिशन वीक है तो कल कोई शायद of जो है वो बेहतर हो जाए बेहतर हो जाए और आज हम लोग प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हैं तो कल जो है वो हमारे प्रॉफिट पर डेंट पड़ेगा इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो है इज गोइंग टू बी अन फॉर अस हमें जो है वो बिफोर हैंड प्लान करना होगा लेकिन अगर आज सूरत हाल जो है ये है कि लेकिन अगर आज सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन बेहतर है और हमें मालूम पड़ता है हमें ऐसा लगता है हालात ये बताते हैं कि कल को सप्लायर की बारगेनिंग पोजीशन वीक होने वाली है वो कैसे कह सकते हैं हमें मालूम पड़ता है कि देर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स दैट आर इंटरेस्टेड टू एंटर इन इंडस्ट्री और हमारे पास फिर, फिर काफी सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे आज तो सिर्फ सप्लायर S1 मौजूद है कल S2 भी होगा S3 भी होगा S4 भी होगा S5 भी होगा हम किसी से भी परचेस कर सकेंगे आज S1 जो है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कल हम उसकी ब्लैकमेलिंग से निकल सकेंगे कल हम लोग उसके चुंगल से आजाद हो जाएंगे फिर हमें काफी सारे जगहों से हमारा माल जो है वो मिलेगा मिल सकता होगा मिल पाएगा तो हम लोग जो हैं सस्ते दामों जो है वो सामान खरीद पाएंगे और हमारे प्रॉफिट जो है वो बढ़ेंगे उस केस में जो इंडस्ट्री है वुड बिकम एट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर है और हम लोग आज से अपनी तैयारी शुरू करेंगे कि हमें जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना है तो कैसे करना है आई होप सारी बात जो है वो आपको हंड्रेड परसेंट क्लियर हो चुकी होगी